नागपुर जिले में कोरोना वायरस अब अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले महीने भर से मरीजों की संख्या दहाई के आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, लेकिन बुधवार को अचानक 11 नए पॉजिटिव मिले। इससे प्रशासन भी एक बार फिर सतर्क हो गया है। मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने बताया कि कुल मरीजों में 2 ग्रामीण और 9 सिटी के भीतर के हैं। इनमें 5 पॉजिटिव SRPF के जवान हैं, वहीं दूसरी ओर दिन भर में 4 मरीजों के ठीक होने के बाद विविध अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दे दी गई। अब तक जिले में 4,93,491 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 40,58,628 लोगों की जांच हो चुकी है। फिलहाल सिटी में 29 एक्टिव केस हैं जो विविध अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दिवाली के दौरान लोग एक दूसरे से शहर गाँव गए थे, साथ ही सर्दी भी बढ़ गई है। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों तक पॉजिटिव की संख्या कुछ बढ़ सकती है, लेकिन इसमें घबराने जैसी स्थिति नहीं है। अभी मास्क आवश्यक है। इन दिनों सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। इस हालात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद अनिवार्य है। बीमारी से बचने से मास्क ही अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखने में आ रहा है कि इन दिनों लोग बिना मास्क लगाए भीड़ वाली जगहों पर घूम रहे हैं। यह उस व्यक्ति के साथ ही अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है।